मॉर्निंग दोस्तों, आज संडे 25th और ये मेरी मानसून की फर्स्ट राइड है और ये मैं एक ऐसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ जिस जगह से मैंने आज से ठीक 2 साल पहले 28 जुलाई 2019 को एक काम किया था और ये मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी थे। तो ये मानसून राइड मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका मेन कारण मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये राइड मैं यहाँ से क्यों शुरू करूँ। ये वो नीम का पौधा है जो हमने 2 साल पहले लगाया था, तो इसके बाद मैंने यहाँ पे और भी प्लांटेशन की है मगर उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले ये है और आज आया हूँ तो थोड़ी सफाई भी कर लूँ इसकी, सोच रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सफाई भी कर लूँ और 28 तारीख को यहीं पे आके मैं अपनी राइड ख़त्म करूँगा। दोस्तों, ये जगह आपको जानी पहचानी लग रही होगी अगर आप जम्मू के हैं तो, ये बन टोल प्लाज़ा के पास की लोकेशन है। ये सामने आपको पंचग्राई दिख रहा है और ये जो नाला दिख रहा है, ये नाला नंदिनी हिल्स से आता है ये, और इस नाले में इस वक्त पानी का फ़्लो देखिए, क्या फ़्लो मज़ेदार है। बरसात में ये नदी फुल रहती है, ये देखिए। और ये यहाँ का दृश्य है, आप सभी लोग यहाँ पे आते होंगे तो आप जब भी कभी आओ तो यहाँ पे इस लोकेशन पे ज़रूर आओ, क्योंकि बरसात में तो चलो प्रॉब्लम नहीं है मगर गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम रहती थी। और ये देखिए, ये पौधा आज देख के बहुत दिल खुश हो रहा है। तो मैं कहता हूँ, मैं सभी राइडर्स और ट्रैवलर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो भी कहीं टूर पे जाएं तो ज़रूर एक पौधा लगाएं। आज इतनी खुशी हो रही है इसको देख के दिल कर रहा है कि और भी लगाऊं, मगर काफ़ी पौधे लगाए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ ना भी चले इस बरसात में, और भी कुछ पौधे लगाऊं। अच्छा दोस्तों, आगे की जर्नी के बारे में अभी आपको मैं और कुछ आगे और बताता हूँ। ये व्यू पॉइंट बन टोल प्लाज़ा के पास है और ये मेरा बैग है, तो अभी मैं यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मगर सुबह से निकल पड़ा हूँ, तो देखो जैसे जैसे आगे जाते जाऊँगा आपको आगे की जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों, ये दूसरा पौधा है पीपल का, जो मैंने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद इसको यहाँ लगाया था और आज देखिए बरसात में इस पर कितना झाड़ आ गया। अभी इसकी सफाई करूँगा तो फिर बाद में आपको इसकी क्लिप बताता हूँ। मैं सफाई कर चुका हूँ, देखिए साइडों से थोड़ी सी पौधों को हवा लगनी चाहिए और जड़ी बूटी थी, और ये पेड़ मैंने इसलिए नहीं काटा कि वो उसको सपोर्ट में रहेगा, और ये पौधा भी 1 साल के करीब होने को आ रहा है और बहुत अच्छा लगा। जब जब ये देखता रहूँगा पिताजी की याद आती रहेगी। और दोस्तों, एक बहुत गंदी बात है हमारे यहाँ सभी को, शायद मुझे भी होगी इन चीज़ों की, अगर आप इनका यूज़ कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, मना नहीं करते, गवर्नमेंट ने अलाउ किया, मगर इसको थोड़ा अगर आप साइड में डाल देंगे तो अच्छी बात होगी। ये जो जो लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर आप सफाई रखोगे तो लोग भी सफाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलता हूँ। ये मेरा पीपल का पेड़ है, पिताजी के नाम से था, और जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ तो इसका आशीर्वाद ज़रूर लेके जाता हूँ। चलो, जब भी कोई और देखेगा तो याद करेगा। दोस्तों, मिलता हूँ आगे आपको। दोस्तों, ये पहला नंदिनी का टनल है जो बन टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके फर्स्ट आता है, और ये अभी तक के 4 टनल्स हैं, और ये मेरी बाइक और बाइक के साथ में, और ये यहाँ का सुंदर नज़ारा। बरसात में आप जिस जगह भी देखेंगे आपको हरियाली ही हरियाली। ये इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है और इस वी के आगे आपका बन टोल प्लाज़ा आ जाएगा। और ये टर्न मैंने लेफ्ट से राइट लिया, तो बता दूं कि ये NH 44 का
फास्ट टर्न। और ये सेकंड टनल का व्यू है। ये तीसरा टनल इसी रोड का। तो ये जो नीचे आप सड़क देख रहे हैं, ये पुरानी सड़क हुआ करती थी। जब पहले इस रोड से पहले जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों गिने जाते थे, वो ये रोड है। मेरे साथ रोड की हालत देखो, ये व्यूज हैं। इसका भी वीडियो मैं आपको, एक पुराना वीडियो आपको बाद में शेयर करूँगा। सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, नारायणा की बिल्डिंग है, और वो ऊपर उनका गेस्ट हाउस है, और ये वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ये उस जगह का व्यू है। और ये जो नीचे सड़क आ रही है, और ये पेड़ों के बीच में आप पुल देख रहे हो, ये कनेक्ट करता है इसको NH 44 से। और ये नज़ारा आपको बरसात में ही दिख सकता है। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, ये माता वैष्णो देवी की है, और इस वक्त वहाँ बादल छाए हुए हैं, तो इतना तो क्लियर आएगा नहीं। बरसात में इस तरह का व्यू होता है। और ये नेशनल हाईवे 44 पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये सुंदर नज़ारा आपको दिखाने के लिए। ये नीचे ये पुल जो लोग उधमपुर से आते हैं वाया मैंथल होके, अगर नारायणा जिन्होंने जाना होता है, वो इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ये बरसात के नज़ारे होते हैं। देखियो कैसे जब बरसात शुरू होती है तो इन पहाड़ों से झरने बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सुंदर सा दृश्य लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाऊँ। ये जो रामनगर को रास्ता जाते हुए पहला पुल आता है, BSF क्रॉस करते हुए, शायद इसको रिट्टी ब्रिज से जाना जाता है, जो ये तवी के ऊपर है, जो तवी डुडू बसंतगढ़ से आ रही है। ये पुराना ब्रिज है, तो इसलिए इसके फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ कि शायद अगले 5-10 साल में ये रिमूव ना हो जाए तो एक यादगार रहेगी कि यहाँ पर एक पुल भी होता था। ये पुराना पुल था, और अब ये ऊपर से उसके साथ एक नया पुल बन गया है। और ये तवी का व्यू है, जो ऊपर बरसात हो रही है उसका पानी ये रिट्टी पुल से होते हुए टूवर्ड्स जम्मू की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना फ्लो है। अभी आगे इसमें काफ़ी नदी नाले, छोटे छोटे नदी हैं, और भी इसमें आती जाएंगी, और जम्मू जाके ये काफ़ी बड़ी नदी हो जाएगी। और ये इसका एक और नज़ारा, जो इस वक्त जिस लोकेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से है,
और ये डुडू बसंतगढ़ है। इसी रास्ते पे अगर आप नदी नदी भी चलें तो डुडू बसंतगढ़ पहुंच सकते हैं। तो ये तवी के पहले दर्शन हैं। वैसे जम्मू में भी थे मगर इस एरिया में ये पहले दर्शन हैं इस रिट्टी ब्रिज के ऊपर। और मैंने ये आपको, ये पुराना ब्रिज है इसलिए मैंने कहा इसके फोटोग्राफ्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जब रास्ता बना होगा ये तब का ब्रिज है। और अब शायद थोड़ी देर के बाद इसको निकाल देंगे मगर हमारे पास इसकी यादें रहेंगी। और ये बहुत सुंदर सा नज़ारा था यहाँ का, तो मैंने कहा चलो ये मानसून पहाड़ों पे देखिए किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। तो दोस्तों अब आगे जाके देखता हूँ। अभी तक तो 60 किलोमीटर के आसपास हुआ है, तो देखो आगे क्या होता है। दोस्तों ये ब्रिज कू नाले पे है। कू नाला एक, यहाँ कू नाम से एक स्टेशन है वहाँ पे है ये। ये रामनगर को जाते रास्ते वक़्त है। और ये जो नदी दिख रही है ये ब्रह्मीन से आ रही है, ये कोडली ब्रह्मीन। और ये भी नाला सीधा तवी में जाके गिरेगा। तो बहुत अच्छी लोकेशन है ये, और काफ़ी लोग यहाँ पे आए होंगे। और ये मानसून का, जब देखो मानसून होती है तो पहाड़ों से कैसे पानी रिसना शुरू हो जाता है, ये उसका व्यू है। तो दोस्तों इस वक्त मैं कू नाले के पास खड़ा हूँ। तो ये यहाँ का दृश्य, ये देखिए बरसात में जैसे जैसे बरसात पीछे होती जा रही है इसका कलर देखिए कैसे डार्क कलर, डार्क ब्राउन हो रहा है। और ये कुछ मेहमान भी देखिए यहाँ पे आए हैं, तो इनको खाना डाला गया, किसी ने यहाँ पे इनको खाना डाला। तो अब ये उसका खाना छीन रहा है, ये तो लगता है बॉस होगा। ये जो दोनों वाटरफॉल थे ये कू नाले के पास हैं। अगर बरसात में आप कभी आओ, वो सामने कू नाले का ब्रिज दिख रहा है, कभी आप बरसात में आओ तो ये नाले आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। ये ज़ीरो मोड़ है, ज़ीरो मोड़ से आपको दोनों के दोनों वाटरफॉल आपको ज़रूर दिखेंगे। ऐसे झरने आपको इस रास्ते में बहुत मिलेंगे, यही तो बरसात में होता है। और बरसात में ऐसे नाले बहुत सुंदर लगते हैं। जब आप और किसी मौसम में निकलोगे तो आपको ये नाले नहीं दिखेंगे, तो इसलिए एक मुझे ये भी बहुत सुंदर सा दृश्य लगा, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी कैप्चर कर लेता हूँ। दोस्तों ये इसके बाद अब ये ब्रिज है, ये ब्रिज जो है इसको कगोट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इसको कगोट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये जिस नाले पे ये ब्रिज है, ये नाला रामनगर से होते हुए आ रहा है और ये नया ब्रिज बना हुआ है। अभी आपको मैं पुराने बताता हूँ। ये भी पुराना ब्रिज है, एक जैसे एक रास्ते में मैंने आपको पहले रिट्टी में बताया था उसी टाइप में सेम ये पुराना ब्रिज है, और अब उसके साथ ये नया ब्रिज बना हुआ है।
इस ब्रिज को कगोट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी आ रही है, नदी का भी व्यू भी आपको मैं बताता हूँ। ये नदी है जो रामनगर से आ रही है, और ये वाली और कगोट वाली आगे जाते ही अभी सब तभी में मिल जाएंगे। ये अब मैं ऊपर की तरफ ब्रिज ले रहा हूँ, इस ऊपर की तरफ डायरेक्शन में अब रामनगर आता है, तो इसका मतलब पीछे बारिश अच्छी है। ये वाला पोल नहीं है। दोस्तों इस वक्त मैं रामनगर के सेंटर पॉइंट में पहुंच गया हूं, और ये राजा सुचेत सिंह की रानी की समाधि है रामनगर में, उसके बाहर हूं। ये उसके कुछ अंश हैं समाधि के, अंदर का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी का मैं ये बाहर से आपको व्यू बता रहा हूं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, और आइए दोस्तों बहुत अच्छी जगह देखने को। और यहाँ पे अभी मैं आपको राजा का फोर्ट भी बताऊंगा, महल भी बताऊंगा, और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए, और बहुत सुंदर जगह है। ये मेन एरिया है रामनगर का, सेंटर प्लेस है ये रामनगर की। तो दोस्तों मिलता हूँ आगे आपको। ये रामनगर के फोर्ट का व्यू है। ये रामनगर का बस स्टैंड है, और ये रास्ता सीधा फोर्ट और रानी समाधि को जाता है।